तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आपका जो आगे आने वाली एग्जाम्स है, रेलवे और बाकी फाइनेंस से रिलेटेड आपकी जितने भी एग्जाम्स होंगी उसके लिए जो है ये करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 आपको सारे क्वेश्चन देखना है और वीडियो के अंत में हम लोग कुछ और बातें भी करेंगे। एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। निम्नलिखित में से किस टीम ने T20 में 278 स्कोर बनाकर अब तक के सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि अब तक का सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है तो वह देश कौन है, किस टीम ने किया है T20 में। तो उसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान की टीम ने T20 में 278 स्कोर बनाकर अब तक के सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है। अफगानिस्तान की अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान के जो कैपिटल है वो है काबुल, यानी यहाँ की जो राजधानी है वो है काबुल और यहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एक तो नोट डाउन कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी आप सारे पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने बगरू में तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया। बगरू किस राज्य में है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। बगरू कहां पर स्थित है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर स्मृति ईरानी किस मंत्रालय से संबंध रखती है ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर अभी है और हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो बगरू जो है ये राजस्थान स्टेट में है, राजस्थान राज्य में बगरू नामक एक शहर है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेप्सिको कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमेजोन के निदेशक मंडल का हिस्सा बन गई है, वह कौन है। यानी पहले जो पेप्सिको कंपनी की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी अभी वो अमेजोन के निदेशक मंडल का एक हिस्सा बन गई है। तो उनका नाम है, काफी फेमस पर्सनैलिटी है, इंदिरा नुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि अभिजीत गुप्ता ने हाल फिलहाल में कुछ अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहां पे आपको बताना है कि अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर है शतरंज खेल से इनका संबंध है, यानी शतरंज खेल से संबंधित है। हाल ही में उन्होंने इटली की पियर लुइगी बासो को 9वें और अंतिम दौर में ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब जीता है, काफी इंपॉर्टेंट ये होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब जीता है अभिजीत गुप्ता ने। अभिजीत गुप्ता जो है एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है और इनका संबंध किससे है, शतरंज से। ध्यान देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बारे में हल्की सी डिटेल्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, तो जिसका आंसर होगा नई दिल्ली में, एक नेशनल वॉर मेमोरियल है, यह है नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के उद्देश्य से जो है इस स्मारक को बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया जिनका नाम है गुलाम नबी। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बनता है कि गुलाम नबी का संबंध किस खेल से है, तो जिसका आंसर होगा भारोत्तोलन। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस खिलाड़ी ने टेक्सास में बिग 12 कोलेजिएट एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है, इसका करेक्ट आंसर है तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर इस खिलाड़ी ने टेक्सास में बिग 12 कोलेजिएट एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये भी पूछा जा सकता है कि तेजस्विनी शंकर का संबंध जो है किस खेल से है, तो उनका संबंध किस खेल से है, ऊंची कूद यानी हाई जंप से रिलेशन है तेजस्विनी शंकर का। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हाल ही में आरंभ की गई श्रेय स्कीम का उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, श्रेय स्कीम का उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो यह है, शिक्षा के दौरान उद्यमिता प्रशिक्षु अवसर उपलब्ध कराना। यानी आप एजुकेशन ले रहे हो और एजुकेशन के दौरान ही आपको इंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, यानी आपको एक व्यवसायी बनने के लिए, आपको नए नए विचार और अपने पैर पे खड़े होने के लिए जो है शिक्षा के दौरान, यानी आप एजुकेशन ले रहे हो और उसी बिटवीन में जो है आपको कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में आपको जो है थोड़ा नॉलेज दिया जाता है। इस स्कीम की शुरुआत की है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अगर इसको इंग्लिश में अनुवाद किया जाए इस ऑप्शन को, तो कुछ इस तरीके से होगा, प्रोवाइडिंग इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग एजुकेशन। यानी आपके एजुकेशन के ड्यूरेशन में, यानी बिटवीन में आपको जो है इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा सहकार योजना किसके द्वारा आरंभ की गई है? जिसके ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च IIM अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। तो कुछ इस तरीके के आपके ऑप्शंस रहेंगे और आप हो जाओगे कंफ्यूज, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। युवा सहकार, जैसा कि इसका नाम है सहकार, यानी कोऑपरेटिव करना, तो जिसका सही आंसर होगा NCDC, यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स की बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च किया है NCDC के थ्रू, जो उद्यमिता को प्रमोट करेगी, उनको कोऑपरेशन उनके बीच में लाना है, तो इसलिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने युवा सहकार योजना को आरंभ किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बुहारी किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं? काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। तो मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पुनर्राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पे नाइजीरिया के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। नाइजीरिया जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल है अबुजा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है नाइजीरियन नायरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4G LTE के लिए पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। 4G, आप सभी लोग 4G मोबाइल यूज करते होंगे, 4G को ही कहा जाता है। LTE के लिए पहला स्वदेशी यानी भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी है? जिसका सही आंसर है सिग्नल चिप। सिग्नल चिप इस कंपनी ने 4G LTE के लिए देश का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय विभाग द्वारा उन्नति मिशन का शुभारंभ किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा उन्नति मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो जिसका करेक्ट आंसर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर शहरी युवाओं के वर्गों को हर वर्ष 100 दिनों में रोजगार की गारंटी देता है? आपको बताना है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ध्यान देना है आपको, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर शहरी युवाओं के वर्गों को हर वर्ष 100 दिनों में रोजगार की गारंटी देता है? जिसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे पहली एशियाई टीम के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है? जिसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका की क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद की स्लाइड में हम लोग और कुछ बातें करेंगे। निम्नलिखित में से किसे FMSCI यानी फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? FMSCI यानी फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। FMSCI का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, जो होता है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। इनके वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है GR कार्तिकेयन को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि जितने भी नाम आपको दिखेंगे ऑप्शंस में
वो सारे परिचित होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे स्मृति ईरानी जी के बारे में। स्मृति ईरानी इज एन इंडियन पॉलिटिकल एंड फॉर्मर मॉडल टेलीविजन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर। ईरानी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीइंग इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। यानी स्मृति ईरानी गुजरात राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गई है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जीके में भी पूछे जाते हैं। गुजरात राज्य से राज्यसभा के लिए जो सीट है वहां से जो है स्मृति ईरानी आई हुई है। स्मृति ईरानी इनका जन्म हुआ था नई दिल्ली में 23 मार्च 1976 को। पहले शादी के पहले इनका नाम था स्मृति मल्होत्रा, अभी इनका जो नाम है वो है स्मृति ईरानी। यानी शादी के बाद, शादी इनकी हुई थी 2001 में, अभी इनका जो रहना है वो है मुंबई में। और इनका ऑक्यूपेशन है ये पॉलिटिशियन है और एक्ट्रेस है। यहाँ पे अगर बात करेंगे 18 जुलाई 2017 से 14 मई 2018 तक ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी। और अभी की अगर बात करेंगे तो अभी जो है शी इज द करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी वह भारत सरकार में वर्तमान कपड़ा मंत्री है। आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है क्योंकि पहले जो थी ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में थी, और अभी रिसेंटली की अगर बात करेंगे, करंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो शी इज द करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स तक। अगर इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम से जुड़कर आप सारी पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। अगर अंत तक वीडियो आपने देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एमडी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच गाइस।